हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है, तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो बहुत ही सिंपल है। अवतल दर्पण का उपयोग है टार्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसको याद कर लीजिए, याद करके यहाँ से जाइए, 4 मिनट का वीडियो होगा ज़्यादा ज़्यादा। तो टार्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के, ठीक है, प्रकाश के शक्तिशाली, ठीक है, उनके अग्रदीपों में, ठीक है, इसका जो उपयोग है प्रकाश का, उनके आगे जो है अग्रदीप में, जिसे हेडलाइट हम लोग कहते हैं, ठीक है, तो उनके हेडलाइट में जो है ये शक्तिशाली किरण पुंजी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चेहरे का जो प्रतिबिंब है वह बड़ा देखने के लिए किया जाता है। यदि एग्जाम में पूछ दे कि यदि आपकी हाइट 5 फीट की है तो आपका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, यानी शीशे में आपका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए शीशे की साइज क्या होनी चाहिए, तो जो शीशे की साइज है वो होगी 2.5 फीट की, यानी आपकी हाइट की आधा। सर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो चेहरे, पहला अग्रदीप यानी हेडलाइट में जो है किरण का प्रकाश पुंज प्राप्त करने के लिए, और चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, और दंत विशेषज्ञ भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप कभी दांत दिखाने गए होंगे डॉक्टर के पास, तो आपको देखा होगा कि वो आपके दांत में एक जो है कि आप उसको नहीं देखे होंगे, उसको जो लगा के देखता है, ठीक है, आपकी दांतों को बारीकी से, वो क्या करता है आपके दांतों को 100 गुना बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, उसके छोटे छोटे कण में, उसके छोटे छोटे कणों के दिखाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सौर भट्ठियों में सौर्य प्रकाश को, ठीक है, सूर्य प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपको पता है सौर भट्ठी होती है एक, हमारे आसपास तो देखने को नहीं मिलेगी, पर जहाँ पे इसका खदान है वहाँ पे देखने को मिलती है। तो सौर भट्टी में क्या किया जाता है, सूर्य का प्रकाश केंद्रित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि वहाँ पे सौर्य का प्रकाश एक बहुत बड़ा और दर्पण लगा रहेगा, ठीक है, वहाँ पे आसपास से सूर्य का प्रकाश उस पर आएगा और उसे वो केंद्रित करके एक जगह देगा। ठीक है, आप जानोगे कि एक हम लोग की जब स्कूल में थे, जब स्कूल समय में थे, तो हमारे टीचर ने हमें एक प्रयोग करवाया था, उसमें एक कागज़ को क्या कहते थे हम लोग लिए थे, ठीक है, और वो सूर्य का प्रकाश उसको केंद्रित करके उसको दिखा रहे थे हम लोगों को। 1-2 मिनट बाद वो इतना प्रकाश केंद्रित किया कि वो जो कागज़ था वो जलने लगा। ठीक है, और ये हो गया हमारा अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, सर्च लाइट, अग्रदीप, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब, दंत विशेषज्ञ, सौर भट्टी में, ठीक है, और उत्तल दर्पण का केवल एक ही उपयोग है, उसे भी देख लीजिए। तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वह सामान्यतः वाहनों के पथ से दृश्य में, ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं जो डॉक्टर होते हैं, सॉरी, जो ड्राइवर होते हैं ट्रकों के, बसों के या बाइकों के, तो उनमें जो हेडलाइट, सॉरी, जो उनके जो शीशा लगा होता है मिरर, तो उनसे जो देखते हैं पीछे की सब, वो जो पीछे की वस्तु सब दिखाई देती है, छोटे छोटे दूर दूर तक की वस्तु दिखाई देती है, तो वो जो दर्पण होता है वह उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।